आज नॉमिनेशन फाइल किया आपने, कितना समर्थन मिला है लोगों का, कितना प्यार मिला है? देखिए, आपने देखा ही है कि जगह जगह लोगों के वो लगे हुए थे, लोग वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। ये लोगों का एक प्यार है जो पिछले दो बार हम विधायक रहे, लोगों के बीच रहे, और जितना काम मैंने किया है तो वो लोग जानते हैं। ये आपने देखा होगा कि ना हमने किसी को कोई हायर किया था, ना कोई गाड़ी हायर की थी। तो ये लोगों का एक प्यार जो आपको रोड पे जो दिखाया, तो मैं समझता हूँ कि अब लोग ये दिल जान से ये चाहते हैं कि जो काम करने वाला विधायक, जो लोगों के बीच रहने वाला विधायक, जो लोगों के दुख तकलीफ में हमेशा हाजिर रहने वाला विधायक ही लोग पसंद करते हैं। तो आज मुझे खुशी है जब मैं सुहांखर से होते हुए, पूरे इलाके से होते हुए, रामगढ़ से होते हुए, और इधर गुगवाल में पहुंचे हम, जो SDM ऑफिस जहां पर हमने फार्म जो है वो रिसीव कराया। तो मैं समझता हूं कि लोगों का आपने देखा है कि सैकड़ों के हजार से गाड़ियां थी, वो मोटरसाइकिल थे, हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता थे। तो ये सभी लोग जो है वो आज मेरे साथ फार्म भरने आए। बहुत से सरपंच जो है हमारे सरपंच जी है, बहुत से सरपंच जो है वो हमारे बीच आए हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे का टाइम जो रहा है वो जी जान से जो मेहनत करेंगे और हमारी कामयाबी होगी। सर जी, इस तरह से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का पहली बार जन समर्थन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए जी, 100% है जी, लोगों ने जो तय कर लिया है कि अब ना पैसा चलेगा, ना दिल्ली से जो जुमला चलेगा, ना बड़े बड़े जो नेता के बातें सुनी जाएंगी। लोगों ने 10-12 साल से सुना है, वो लोगों को पता है कि जुमलों के बगैर कुछ नहीं दे सकते। हमारी स्टेट का इन्होंने बिरादर कर दिया, हमारा जहां नशे का कारोबार बढ़ा दिया, शराब घर घर में ला दी, चिट्टा घर घर में ला दिया, हमारा 370 से मैं समझता हूं कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई, स्टेट सब्जेक्ट का डोमिसाइल आ गया, और जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है वो आपके सामने है। ये इस सभी को देखते हुए अब लोगों ने ये मन बना लिया है कि हम इनके जुमलों और बातों में नहीं आएंगे, और ना ही किसी बहकावे और पैसे में आएंगे। लोग बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपने देखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले में जो रामगढ़ विधानसभा 69 होगी वो कांग्रेस की जीत होगी। थैंक यू।